देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टू टाइप के हैं। पहला प्योर सेमीकंडक्टर, नैज अर्धचालक, जिसमें कोई आप डोपिंग नहीं मिला रहे, कोई अशुद्धि नहीं मिला रहे, सीधा ही जो एटम है वो सेमीकंडक्टर की लाइक बिहेव कर रहा है। जैसे देखो 14 कॉलम में दो एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो प्योर फॉर्म में भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। देखो हमें पता है कि ये टेट्रावेलेंट होते हैं कार्बन की तरह, तो इसमें चार बंध हैं, प्रत्येक ऐसा ही फोर बॉन्डेड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये नॉर्मल टेम्परेचर या निम्न ताप पर या लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की लाइक बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर करेंगे तो इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब टूटेगा ये तो इसके इलेक्ट्रॉन एक पर होंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों से होती है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों से होती है। ये दिस बॉन्ड कैन बी ब्रेक एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय होल और ए इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ये टूटेगा, टूटने के बाद में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बनेंगे, जिसके कारण ये विद्युत का चालन करने लगेगा। कौन सा, प्योर, इसको बोलते हैं आंतरिक या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप इसके जो अंदर है वही कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, इसको बोलते हैं डोपिंग। आप इसके अंदर क्या करेंगे कि कोई ना कोई अदर एलिमेंट्स आप इसमें मिक्स करेंगे, इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें टू टाइप के हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अब वही कॉलम 14 के दो एलिमेंट, चाहे सिलिकॉन ले लो और चाहे जर्मेनियम ले लो आप, ठीक है, कोई सा भी इसमें से एक ले लो। अब इसमें एन टाइप में तो क्या करेंगे, देखना, ध्यान देना, 14 में 15 कॉलम की इम्प्यूरिटीज मिक्स करेंगे, ठीक है, कौन से कॉलम की, 15 की। 15 में कौन आता है, या तो आर्सेनिक या ओरे फास्फोरस, ये मिक्स कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहां पे ये जो 15 कॉलम है ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट है, ठीक है, 5 वैलेंसी है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक, चार ने तो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होगी। अब बच्चों बताओ, एन टाइप में कंडक्टिविटी किसके कारण हो रही है, बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं। किसको एन टाइप को, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंडक्टिविटी होगी। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। अब आ जाओ पी टाइप में कॉलम 14 तो है ही आपका सिलिकॉन वाला, ठीक है, और इसमें कॉलम जो 13 है, कॉलम 13 की इम्प्योरिटी 14 में मिक्स करेंगे, कॉलम 13 बोरॉन ले लो, चाहे आप इसमें एल्यूमिनियम ले लो। अब ये भी पता है कि कॉलम 13 ट्राइवेलेंट है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्या बच गया, होल बच गया, ये याद रखना। पी टाइप में कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, होल के कारण होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर। अब एग्जाम में इसमें डिफरेंस आते हैं दोनों में, ठीक है, अब दोनों को मैंने आपको समझा दिया है, इसमें चार आपको डिफरेंस लिखने होते हैं, ठीक है, समझ गए। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, इसमें कॉलम 14 में
कॉलम 14 के एलिमेंट में कॉलम 15 की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, इसमें कॉलम 14 में 13 की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ड्यू टू होल्स, ठीक है। ये आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप हो गए, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज थोड़ी सी इसमें से एक चीज और रह गई थी, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो वैलेंस बैंड वीबी, वैलेंस बैंड वीबी से इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड सीबी के अंदर चला जाएगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैलेंस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में आता है इसके यूजेज। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है सेमीकंडक्टर का, हम इसे डायोड बनाते हैं, ठीक है, इससे संधारित्र बनाते हैं। दो प्रकार के संधारित्र होते हैं, एन पी एन और पी एन पी, दोनों के दोनों डायोड किससे बनाए जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप सैंडविच किससे बनाए जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यूज क्या होता है इसको, एसी को डीसी में, एसी कन्वर्ट इनटू डीसी एंड डीसी कन्वर्ट इनटू एसी, ये इनके ही यूजेज हैं। और देखो इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, ठीक है, जो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे TiO है, ठीक है, TiO है, CrO2 है, अगर आपने वीडियो देखा है तो ये आप मैं इससे भी पकड़ूंगा, कौन बच्चा वीडियो नहीं देख रहा, क्योंकि इसके एग्जांपल आपको नोट करने हैं, वहां मैं जो बता रहा हूं इसमें एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट लगा के लिखेंगे, ठीक है, नोट्स में इसको नोट लगा के लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा भी। एक ऑक्साइड है ReO3, रेहनियम ऑक्साइड, रेहनियम ऑक्साइड, ये रेहनियम ऑक्साइड जो है ये कॉपर की जितनी कंडक्टिविटी को शो करता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू मेंशन दैट रेहनियम ऑक्साइड हैज द कंडक्टिविटी एज वेल एज अपीयरेंस लाइक टू कॉपर, कि इसकी चालकता कॉपर के बराबर होती है, किसकी, रेहनियम ऑक्साइड की। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस ऑक्साइड की चालकता कॉपर के बराबर होती है, तो किसकी होती है, रेहनियम ऑक्साइड की चालकता कॉपर के बराबर होती है, ठीक है। और एक यूजेस में एक दूसरा नोट नंबर टू, ये अब की बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर विच इज यूज इन सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स में हम किसको उपयोग करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो क्विक हैवी फास्ट रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, वेरी फास्ट, यह क्विक रेस्पॉन्स करता है। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनमें सबसे फास्ट रेस्पॉन्स किसका होता है, गैलियम आर्सेनाइड का होता है, किसका होता है, गैलियम आर्सेनाइड। ये दोनों के दोनों नोट आपकी कॉपी में नोट्स में होने चाहिए, जिसके नहीं मिलेगा इसका मतलब उसने वीडियो नहीं देखा। देखो दोबारा देखो, रेहनियम ऑक्साइड की कंडक्टिविटी किसके जितनी है, कॉपर की जितनी, ठीक है, रेहनियम ऑक्साइड शो द कंडक्टिविटी लाइक टू कॉपर, रेहनियम ऑक्साइड शो द कंडक्टिविटी लाइक टू कॉपर। और दूसरा एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर विच इज यूज इन सिग्नल्स
इट इज वेरी फास्ट क्विक रेस्पॉन्स, वेरी फास्ट या क्विक रेस्पॉन्स।